वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़े भैन भरावां वालों मैनू गदार दी तख्ती मेरे गल च पाई जा रही, उन्हां सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। महाराज उन्हां दी चढ़दी कला करे। दूजी गल इह आ वी मैं सवाल कीते आ ते उन्हां दे जवाब ही दे रहा। तो जे वीर अमृतपाल लोगों नूं सवाल कर रहा तो जवाब दे रहा, उहदा फर्ज बनदा जवाब देना, ठीक है। जे कोई सवाल करदा एक आगू आ उहदा फर्ज बनदा, ना कि उहदे जिहड़े बंदे आ कि उह विरोध करन करी जाण, मैनूं कोई इह गल्लां फर्क नहीं पैंदा। वेखो जिहड़ियां गल्लां मैं कीतियां मैं उहनां तों भजदा नहीं। बाकी जिहड़ी गल तुसीं इह गलत तोड़ मरोड़ के पेश कीती जा रही भी लोकां दे पुत मरवाउण वाली गल जिहड़ी उह बाबे जरनैल सिंह नाल ना रलाई जाए, क्योंकि अज तक बाबे जरनैल सिंह तो बाद जिन्हें भी आगू बने उन्होंने अपने धियां पुत बाहर भेजते, अपने भैन भरा बाहर भेज के फिर उन्होंने खालिस्तान की गल की, फिर उन्होंने पंजाब के आगू बन की कोशिश की, पर समय समय के नाल उन्होंने गदारियां कीतियां। बाबे जरनैल सिंह की तो मैं सदा ही यह गल कहना कि बाबे जरनैल सिंह वर्गा ना कोई पैदा होया तो ना कोई हो सकता। बाबे जरनैल सिंह की बदौलत ही मैं इस ढाडी कला में आया। तो रही गल जे लोग ये गल कहें भी ये फुकरियां मारते स्टेजा से गल कर जोगे आ भी जां मतलब मैनू यह गल कह रहे भी तेरा ते अपना दाल फुलका जिहड़ा वो ढाडे सरंगी बजा के चलता, तो उन्होंने मैं यह गल कह देना चाहुंदा भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने ढाडी स्टेजा ते लियांदे आ, कल्ले दाल फुलके वास्ते नहीं लियांदे, दाल फुलका जे चलाउणा होवे ते होर भी बड़े काम आ उह भी कर सकदे आ। जरूरी नहीं भी कोई इह सरंगी बजा के फिर ही आपां मतलब रोटियां खा सकदे आ। इह सच दा सुनेहा देण वास्ते मतलब स्टेज ते खलोंदे आ, ते जिहनूं स्टेज ते खलोंदे सच दा सुनेहा ही दिंदे आ। ते मैं अपने दिल दी जिहड़ी गल सी उह मतलब कि संगत दे सामणे रखी। बाकी मैनू इस गल की खुशी हुई है कि बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं गदार दी तख्ती मेरे गल च पाई आ, ते मैनू इस गल का कोई शिकवा नहीं है। मैं उन्हां दा धन्नवाद ही करदा जिहड़े इह गल कर रहे, पर मैं उन्हां नूं इक्को गल कहना चाहुंदा वा भी जे आपां सवाल करदे आ ते अगला भी सानू सवाल कर सकदा वा ते फिर सानू विरोध नहीं करना चाहीदा। एक पासे अहीं कहिंदे भी अहीं खालिस्तान बनाउणा, यार इहो जिहा खालिस्तान बनाउणा वा भी जे अहीं आगू नूं सवाल करिए ते उहदे जिहड़े चाहुण वाले उहदे चेले जिहड़े आ उह 250-250 बंदा फोन ला के गल आखे भी हाँ भी तूं उहनूं आह सवाल कीता ते कीता क्यों आ, भी जां उह मतलब पत्रकारां दे सामणे इह गल आखे भी मैं इह नहीं किसे नूं जवाब दिंदा। इह कित्थे दा खालिस्तान बई मैनूं दसो। जे मान लो अज साडे कोल अजे कुछ भी नहीं बनिया ते अज नहीं अहीं मतलब कि चंगी तरह किसे नाल गल करन डिया, जिद्दन मान लो 200-400 शरीर होर जुड़ गया नाल अहीं ते माड़े बंदे नूं ते पैरां थले नप के चल जांगे। ते जे इहो जिहा खालिस्तान आ भी आपां सवाल करन वाले नूं विरोध करदे आ ते सानू मैं नहीं चाहुंदा भी मैं इहो जिहे खालिस्तान दा हिस्सा बणा। बेशक मेरा बाईकाट कर दिओ मैनूं कोई फर्क नहीं पैणा, पर मैं हक सच वास्ते सदा खड़ा वां ते सदा खड़ा रहूंगा। मैनूं चलो ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਆ ਇਹ ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, 1983 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਆ, ਇਸਾਈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਭਾਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੇਖੋ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੱਢਣਗੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆ
ते कौन मोदी दा कुत्ता ए समय आउण ते पता लगूगा। ना ते मैं सरकारी बनिया ते ना मैनू सरकारी बन दी लोड़ आ। मैं ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दा सिखिया जिन्नी कि उहने मत दित्ती उहदे मत अनुसार मैं सेवावां निभा रहा ते निभाउंदा रहूंगा। चाहुण वाले जिहड़े आ नाल उह अज वी खड़े आ ते उह कल वी खड़े ही उहनां सदे सदा खड़े रहना। ते जिन्हां ने विरोध करना उह पहलां वी करदे सी हुण वी करदे आ। बाकी रही गल झुकदे ग्रंथ गाड़ी ते पंथ गाड़ियां सदा जे गलती हो आप गलती की माफी मंगा गे। पर जे बिना गलती तो तुम ये सोचो भी आप ही इन्हे फोन करने के बाद भी मैं शायद अमृतपाल तो माफी मंग ला वो नहीं। मैं बंदा है जो कहता सो कहता भावे दिन आखिरी हो भावे दिन साल बदी हो गल कोई ए गलत नहीं है। जो तुम कह रहे हैं दोगला कह लो जो ता दिल करता कही जाओ मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। पर मैं जो कहना ही कहता भी जे इहो जिहा खालिस्तान आ जिथे सवार रखिया सानू दबाउण दी कोशिश की जाए तो मैं नहीं चाहता मैं इहो जिहे खालिस्तान का हिस्सा बना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।